तो संतोष जी, अब तक दो घंटे में दिल्ली के क्या अपडेट आपके पास आए हैं? जी, दिल्ली में देखिए, 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी तक दिल्ली में 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 1 लोकसभा सीट नई दिल्ली की है, जहां से बासवी स्वराज और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पे सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं और बासवी स्वराज पीछे चल रही हैं। तो देखिए, ये मसला किसी भी तरफ जा सकता है। अभी तो आप एमपी भी जैसा कवर कर रहे हैं, तो एमपी का क्या अपडेट है अभी तक दो घंटे का, वो बताइए। जी हाँ निकिता जी, देखिए एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अभी तक 28 सीटों के रुझान आ चुके हैं लगभग। उसमें 28 की 28 सीटों पर भाजपा एनडीए आगे चल रही है, और गुना से ज्योतिराज सिंधिया बड़ी बढ़त लेके आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा सबसे खास बात है, कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, छिंदवाड़ा सीट से नकुल नाथ इस समय पीछे चल रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट वहां से आगे चल रहे हैं। इसके साथ में शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। 28-0 का मुकाबला इस समय एमपी में चल रहा है।